तुम थी जो क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तुम्हें कोई देख लेता तुम पकड़ी जाती ना, सारा खेल बिगड़ जाता। विकार तो पहले ही तुमने सब कुछ लिया है। मतलब? मैं यहाँ पर तुम पर नजर रखने आई हूँ कि कहीं तुम अपना इरादा तो नहीं बदलती। पर अफसोस, माहिर के सामने तुम फिर कमजोर पड़ गई। देखो विश, 24 घंटे, मेरा मैंने कहा था 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे बीतने में अभी वक्त बाकी है, और समझने की कोशिश करो, ये इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इन सबके सामने मैं माहिर को मार ही नहीं पाऊंगी। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढोगी, इसलिए मैं यहाँ पर आई, तुम्हारी मुश्किल को आसान करने। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाली हो तुम? कुछ ऐसा जिसके लिए तुम मेरा एहसान मानोगी। साफ साफ बताओगी विश, तुम क्या करने वाली हो? पागल मैं नहीं, तुम हो गई। इंसानों के साथ रह रहे के तुम भी इंसानों की तरह हो गई। मतलब है, तुम्हें बस अपनी परवाह, मरे हुए प्यार की परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना बदला पूरा करूंगी, तुम खोलो इसे। खोल दूंगी, पहले मैं विक्रांत से अपनी दोस्ती और उस माहिर से अपनी दुश्मनी निभा लूं। क्या है यार, पार्टी कितनी बोरिंग है यार। एक भी और लड़की नहीं है पार्टी में। विश ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। सबसे हायर माय लाइफ में हॉटनेस का स्कोर सेट कर दे दिया ना। कोई इतनी हॉट ही लगती याद है ना, कितनी फ्रॉड थी। मुझे तो सिर्फ उसकी फिगर याद है यार, छू देना बॉडी में करंट ही करंट आ जाता है। कभी देखे जाती है और पैसों का फटका भी। अबे इतनी हॉट लड़कियों को समा होता है, उसके बाद उसकी चाल आए वो अदाएं कोई कैसे भुलाए। बूटू अब तुम अंदर कितने ही हाथ पैर मार लो बेला, मैं तुम्हें बाहर इस माहिर को मारने के बाद ही लाऊंगी। Okay, everybody, how about a nice romantic dance? Everybody on the dance floor, lights off. May I? Sorry, do I know you? Yes, of course. Main ek handsome sa ladka, aap ek stunning beautiful ladki. Lo, ho gayi hamari khoobsurat si pehchan. Now may I? अब तुम ठीक हो? So, are you from Mumbai? हाँ, बाय द वे सिर्फ हम ही डांस कर रहे हैं या बाकी लोग भी? Okay, come on guys, let's do some romantic dance. Come on. You sure you're okay? Yes, of course. मुझे क्या हुआ है?
यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज के मेन स्टार तो तुम दोनों, डांस फ्लोर पे चलो ना। अरे चलो ना, अरे चलो ना यार, कितने स्लो हो तुम लोग। अपने आरजे से कुछ सीखो, कितना फास्ट है। What? लड़की पटाने में भी कितना फास्ट है। What? अच्छा है ना, रिम लाइट है, फुल प्राइवेसी। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 यार, बहुत स्लो यार तुम लोग यार। अरे चलो को, तुम भी चलो आओ। लेकिन अरे चलो तो, अरे सुन तो, अरे बात तो सुन। मुझे इस माहिर को यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा, इतने लोगों के सामने मैं उसे नहीं मार सकती। What the hell? Here, yeah? You go to hell. I am his wife. अब तुम छोड़ रही हो मेरे हस्बैंड को, या ग्लास मारे सर पे फोड़ो। ओह शट अप, ओके बेबी, यू जस्ट शट अप। ये सही वक्त है। आह, अरे माहिर जी, क्या हुआ बेला? मुझे चक्कर आ रहे हैं माहिर जी। हाँ? बहुत वीकनेस फील हो रही है। आओ वहां पे बैठ जा, कम सिट सिट सिट, ठीक है ना? नो माहिर जी, पता नहीं बहुत ऐसे सोशल हो रही है, थकावट हो रही है बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। I'm too tired. हमें चलना चाहिए, कम। नहीं विशाखा, तुम माहिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो भी करना है मैं करूंगी, सिर्फ मैं। माहिर जी कहाँ है? मतलब गाड़ी निकालने गए हैं। तुमने तो अभी कहा था कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो हे भगवान, यानी विश माहिर को लेके नहीं। लिसन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर, अब मैं ठीक हूँ। हाँ, और बेटर लग भी रही हो, तो चलो ना दूल्हा दुल्हन के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। लिसन, पहले वाली सेल्फी में ना मेरा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं आया। कम ऑन। हाँ, एक मेरा फोन रह गया वॉशरूम में, मैं लेके आती हूँ। लेकिन आई हैव अ फोन ना, ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। अरे लेकिन माहिर जी मेरे को फोन कर रहे होंगे ना, उनसे भी बात करनी है, फैमिली फोटो में वो भी होने चाहिए ना। हाँ। और सुनो, तुमने नोटिस किया आरजे किसी लड़की की फोटो ले रहा है? नहीं विशाखा, तुम माहिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। यू श्योर यू आर ओके? आई मीन डॉक्टर के पास नहीं जाना है तुम्हें? Yeah, I'm fine. Actually, इतनी exertion हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा headache हो रहा था. It's fine. मुझे माँ को पहले ही कह देना चाहिए था कि वो तुम्हें insist ना करें आने के लिए. एक तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, और traveling भी इतनी ज़्यादा होगी, venue भी कितना दूर है. बोला ना एक बार, I'm fine. What? I know. मैं इतना rudely कभी आपसे बात नहीं करती, इसलिए आपको इतना अजीब लग रहा ना. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. As if I care. गाड़ी की आवाज से सब लोग घर में जाग जाएंगे आगे. Dim light.
Who's that? कौन है ये? फिर ये कौन है? I have no idea, माहिर जी। आप गाड़ी से बाहर मत उतरिएगा। जरूर कोई खतरा है। It's not safe। आप अंदर ही रुकिए। माहिर जी, आप जल्दी से इस गाड़ी से बाहर आइए। मैं बेला हूँ। असली बेला मैं हूँ। मैं हूँ आपकी बेला। ये कौन है? कहाँ से आई है? क्या करना चाहती है? मुझे तो लगता है बाहर इसके और भी साथी है। हमारे लिए सेफ नहीं होगा माहिर जी, हमें अंदर रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए और वापस चलिए। इट्स नॉट सेफ आउट हियर। माहिर जी, फॉर गॉड्स सेक, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं बेला हूँ और मैं कह रही हूँ आप जब गाड़ी से बाहर आइए। सोच रहे हैं माहिर जी, क्या सोच रहे हैं? मैं बेला, मैं आपकी बीवी, आपके साथ बैठी हूँ। ये लड़की पता नहीं कौन आपका बुरा चाहती है। आप इसकी बात सुन रहे? बुरा मैं नहीं, बुरा ये करना चाहती है आपका। माहिर जी, आप सोच क्या रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बेला हूँ। शी वांट्स टू हार्म यू। आप निकलिए गाड़ी से बाहर। Oh my God. Officer, ये कोई टाइम होता है फोन करने का? What's wrong with you? Haven't you said some decorum? Andy साहब, आपके decorum वेकरम का ज्ञान हम बाद में सुन लेंगे। फिलहाल जिस खबर के लिए हमने आपको फोन किया है, आप वो सुनिए। क्या ना, कुछ दिन पहले हमें एक लाश मिली। तो Andy साहब, सुन रहे हो ना आप? Unfortunately मैं सुन रहा हूँ officer। बताइए, आप कह रहे थे कि आपको लाश मिली है, तो मैं क्या करूँ? तो ये कि उस लाश को कुछ टेस्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए हमने भेजा है। सोचा आपको भी बता दें। What's wrong with you, officer? आप मुझे क्यों इन्फॉर्म करेंगे? देखिए, हम पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें शक पूरा है कि कहीं ये लाश युवराज की। What nonsense, officer? What's wrong with you? क्या मैंने आपको FIR लिखवाई थी? कोई कंप्लेंट की थी कि मेरा बेटा मिसिंग है? नहीं ना, तो आप फिर से ऐसा क्यों कह रहे हैं? लिसन ऑफिसर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा बेटा मिसिंग नहीं है। ओके, ही इज इन न्यूजीलैंड। वहां से फोन आया क्या आपको? यस, उसका मुझे फोन आया था। यू गॉट दैट? उसने खुद फोन किया था और कहा था कि वापस आने वाला है। ओके, एक मिनट एंडी साहब, आपकी आपके बेटे के साथ बात हुई? मतलब खुद उसने फोन पर आपके साथ बात की, या फिर किसी ने बात की और उसने आपको बताया और उसकी कही हुई बात आप हमको सुना रहे हैं? आप समझ रहे हैं हमारी बात? क्योंकि हमको पूरा शक है कि ऑफिसर, आर यू लिस्निंग टू मी व्हाट आई सेड? उसने खुद फोन किया था और मेरा बड़ा बेटा माहिर, उसने उससे बात की है एंड ही टोल्ड हिम कि वो बहुत जल्द वापस आ रहा है। ओके, नाउ प्लीज डोंट हैरस मी। युवराज ने फोन किया था? ऐसे कैसे हो सकता है यार? खैर, इस पगलैट फैमिली में कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी से बाहर आइए। खतरा अंदर है, खतरा बाहर नहीं है माहिर जी। आप प्लीज बाहर आइए, खोलिए इसे, बाहर आइए। माहिर जी, डोंट बिलीव। मैं आपसे कह रही हूँ फ्रॉड है। डोंट लुक एट मी लाइक दिस माहिर जी। मैं थ्रू आउट आपके साथ थी, आपके साथ गई पार्टी में, आपके साथ थी। डांस क्या मतलब? माहिर जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप गाड़ी मोड़िए, मुझे बहुत डर लग रहा है। माहिर जी, वी हैव टू बी सेफ। माहिर जी आप ट्रस्ट कीजिए। माहिर जी, मैं साबित कर सकती हूँ मैं बेला हूँ। वो झूठ बोलिए। माहिर जी, आप बाहर आइए ना। खतरा बाहर है कि आपको भी पता है माहिर जी, इसके साथ ना जाने कौन कौन है। मुझे डर लग रहा है। वापस चलिए, आप वापस चलिए। माहिर जी, गाड़ी मोड़िए प्लीज, वापस चलिए प्लीज। माहिर जी, देखिए ना माहिर जी, क्या सोच क्या रहे हैं आप? माहिर जी, पता नहीं लड़की क्या है। माहिर जी प्लीज, आपसे कह रही आपसे कहा था ना, आप गाड़ी में से मत उतरिए। आपने क्यों मेरी बात नहीं सुनी? अरे बाहर खतरा है आपको, कांट यू जस्ट सी? ये लड़की पता नहीं कौन है, किसके साथ आई है, किस इरादे से आई है, और आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे? पूरी पार्टी में आपके साथ थी, आपके साथ गाड़ी में आई हूँ यहाँ तक, अब फिर भी उसकी बातें सुन रहे हैं? इस झूठी लड़की की बातें सुन रहे हैं आप? मैं हूँ बेला माहिर जी। माहिर जी, ये झूठ बोल रही है। मैं तब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका यकीन मत कीजिए। मैं हूँ बेला, मेरा यकीन कीजिए, मेरी बात सुनिए। माहिर जी, आप इसकी रिंग देखिए, जो इसने रिंग पहन रखी अपने हाथ में, वो रिंग मेरी नहीं है। मेरे पास ऐसी ज्वेलरी है ही नहीं। वो भी नहीं सर, ये बहुत कॉस्टली है।
और किसी के बस की बात नहीं है इसे रखना। तुम्हारी ये ज्वेलरी, तुम्हारे ये सारे गहने तो नकली है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माहिर जी, मैं ये रिंग घर से पहन के आई थी। आपको याद है जब हम डांस कर रहे थे तब भी मैंने ये रिंग पहनी हुई थी, क्या याद नहीं आ रहा आपको? आप वो सब छोड़िए माहिर जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बेला हूँ। ये कोई झूठी लड़की है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रही है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए माहिर जी, मेरा ट्रस्ट कीजिए। मत सुनिए माहिर जी इसकी बात, झूठ बोल रही है ये लड़की, तब से झूठ बोल रही है आपसे। मेरा यकीन कीजिए माहिर जी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं ही असली बेला हूँ। इनफ, मेक एनी मिस्टेक माहिर जी, मैं ही बेला हूँ। तुमने मुझसे गाड़ी में पूछा था ना कि मैं शॉक क्यों हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे रूडली बात की थी। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 1000 बार तुमने मुझसे रूडली बात की है, लेकिन रूडली बात करते हुए जब तुम मुझे हर्ट करती थी तब तुम खुद भी हर्ट होती थी, और ये बात तुम्हारी आंखों में मुझे साफ दिखती थी, जो आज दिखाई नहीं दी। कितनी भी महंगी रिंग हो, कितनी भी कीमती चीज हो, बेला कभी किसी और को अपनी चीज ऊंची बताने के लिए नीचा नहीं दिखाएगी। और एक और बात, बेला ने कभी मुझे मेरा माहिर कह के नहीं बुलाया, कभी उसने मुझ पे इतना हक समझा ही नहीं। लेकिन उसके बिना हक समझे, उसके बिना जताए, मैं ये जानता हूं कि वो मेरी बहुत परवाह करती है, और ये बात उसे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। है ना बेला? तो आपने मुझे पहचान लिया माहिर जी? तेरे संग प्यार में मैं तुम्हें आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ बेला। ठीक तो मुझे क्यों रुलाए उसका कुछ न बोलना। विशाखा नहीं, गलती मत करो, मैं माहिर के सामने सच नहीं ला सकती, रुक जाओ वरना। रुको! नहीं माहिर जी रुकिए, लेट इट बी माहिर। कौन हो तुम? सामने आओ। माहिर जी, माहिर जी।
तू? क्या था ये सब? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? उस माहिर को बचाने के लिए तुमने मुझे मारा? दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। बेला तुम होश में तो हो? तुम ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम होश में हो? क्या करने वाली थी तुम अभी? वही जो तुम्हें करना चाहिए पर कर नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी मदद करने आई। किसी ने मांगी तुम्हारी मदद? मैंने कहा आओ विशाखा मेरी मदद करो? इससे पहले भी कह चुकी हूँ ये मेरी लड़ाई है, इसे लड़ना और जीतना मुझे अच्छी तरह से आता है, और तुम ना अपनी जल्दबाजी में मेरी सारी चाल खराब कर रही हो। चाल? ये चाल है? तुम कोई चाल वाल नहीं चल रही, बस उस माहिर के इशारों पे चल रही हो। वरना मुझे एक बात बता, जिस माहिर को तुम सुहाग रात की रात पे मारने वाली थी, वो अब तक जिंदा क्यों है? ये है तुम्हारी चाल? और अगर ये तुम्हारी चाल है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें तुम्हारा 100 साल पुराना प्यार मात खा रहा है, और ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम्हें क्या नजर आ रहा है क्या नहीं नजर आ रहा है ये ना ही मुझे जानना है ना ही मुझे फर्क पड़ता है। एक बात कान खोल के सुन लो, विक्रांत को सिर्फ माहिर ने नहीं मारा, उसके साथ और भी लोग थे, उन सबको खत्म करना है मुझे बिना कोई सबूत छोड़े, इसलिए मैं अपना वक्त ले रही हूँ। और अब जो यहाँ तुमने मुझे फंसा दिया है, क्या कहूंगी मैं माहिर को? कौन थी वो दूसरी बेला? इस कलयुग के जमाने में कौन सा ऐसा चमत्कार आ गया? क्या बोलूंगी? बेला तुम्हें उससे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, और मैं तुम पे कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। मैं बस यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुम अपना रास्ता ना भटको। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम अब तक उस माहिर को मार क्यों नहीं पाई? कहीं बेला तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? विशाखा, अपनी हद मत भूलो, और याद रखो अपनी नागरानी से बात कर रही हो तुम। मुझे याद है नागरानी, मगर मुझे माफ करना, इस वक्त मुझे अपनी नागरानी से ज्यादा दोस्त की फिक्र है, उसके अधूरे बदले की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि वो इंसानों की भीड़ में आकर भूल जाए कि वो कौन है और यहाँ किस मकसद से आई है। बेला तुम कहाँ थी, कितनी देर से फोन कर? I'm sorry, माहिर जी, मैं बस वो बाहर थी, ढूंढ रही थी कि वो बहरूपिया कौन है अगर मिल जाए तो। और तुम अकेली चली गई ढूंढने के लिए? Are you serious, बेला? वहाँ पे तुम्हें कुछ हो जाता, कोई पकड़ लेता तो? फिर कुछ हुआ तो नहीं ना, thankfully। माहिर जी, मुझे जानना था कि हमारे साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है, बट नहीं पता चला, I have no idea वो कौन थी, क्या चाहती थी। लेकिन मुझे पता चल गया। ये देखो, ये मास्क और ये ज्वेलरी पहन के आया था कोई, तुम्हारा रूप लेके। पता तो अभी तक नहीं चला कि कौन है वो, लेकिन बहुत जल्दी मैं पता कर लूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। यूवी जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक आई मीन तुम और तुम्हारा बच्चा। कौन सा बच्चा माहिर जी? कोई बच्चा नहीं है, मैं आपको कितनी बार बोलूं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। गॉड, बेला तुम बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट दैट कि तुम रिलैक्स करो, ओके, जस्ट रिलैक्स, बात समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे किसी को समझने की जरूरत है ना, तो वो आपको है, मुझे नहीं। मैं आपको साफ साफ शब्दों में इतनी बार बोल चुकी हूँ, आई एम नॉट प्रेग्नेंट, आई नेवर वॉज। लेकिन डॉक्टर, अरे डॉक्टर झूठ बोल रही थी आपसे, आपको समझ, अगर मैं प्रेग्नेंट होती आपको नहीं लगता आपको अब तक मेरी ऑफिशियल प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स मिल चुकी होती, आई आपके पास, तो फिर वो डॉक्टर वापस आई, अनु का ट्रीटमेंट करने हॉस्पिटल गई थी, एंड शी नेवर केम बैक, क्योंकि उसके पास अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ था ही नहीं। यू नो व्हाट माहिर जी, मेरे पास है, वेट, आई एम गोइंग टू टेक दिस प्रेगनेंसी टेस्ट, उससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो झूठ नहीं। You just sit here peacefully and wait. तीन मिनट में सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आप क्यों टच कर रहे हैं? I peed on it. मत टच कीजिए। वो डॉक्टर ने झूठ बोला था। लेकिन वो डॉक्टर अनु की फ्रेंड है ना? मतलब अनु सबको जानबूझ के कर रही है? ओह नो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि अनु तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। आई थिंक आपको पता है, सब जानते हैं कि अनु आपको लाइक करती है, आप भी अनु को लाइक करते हैं। बेला अगर तुम ये कह रही हो कि मैं अनु को लाइक करता हूँ, दैट मींस यू आर क्लियरली सेइंग कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स छुपाने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ। तीन मिनट हो गए,
सी, सिर्फ एक पिंक लाइन। आपको पता है ना इसका मतलब? That I am not pregnant. नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट, यूवी का बच्चा नहीं है। तुम्हारी यूवी तो बहुत क्लोज थे ना? क्या मतलब कब थे हम क्लोज? माहिर जी, मैं और यूवी क्लोज नहीं थे, कभी भी नहीं थे, इतने भी नहीं। अब तो आपको यकीन हो गया मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, जो मैं डे वन से कहती हुई आ रही थी आपसे, लेकिन आपने मुझसे ज्यादा उस अन्नू पर यकीन किया। That's why I'm asking. पसंद करते हैं क्या उसे आप? नहीं बेला, मैं और अनु कभी भी क्लोज नहीं थे, इतने भी नहीं। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए माहिर जी। सच? इसका मतलब तुम मुझसे अलग नहीं होना चाहते? इतनी दूर से सिर्फ मैं तुम्हारे लिए आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हां मेरी प्यारी नागरानी, अब तुम मुझसे छुपकर कहां तक जाओगी? मेरे पास बहुत पास खींची चली होगी। क्यों नहीं, क्यों मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती? रीजन तो दो। रीजन दिया ना आपको, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं। ओह, तो आफ्टर ऑल व्हाट सेड, तुम्हें अभी भी यही लगता है कि ये शादी में प्रेगनेंसी की वजह से तोड़ रहा था? Come on, will I tell you? तुम ही ने उस दिन कहा था ना, you're not so naive. तो अब मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हो? बोलो। ये बात तो सही कह रहा है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये बात मुझे इससे बताने की इतनी क्या पड़ी थी? मैं इसे डिवोर्स क्यों नहीं दे पा रही? ये हो क्या रहा है मुझे? एक मिनट, ये सब कुछ अपने मन में बोलना बंद करो, मुझसे बोलो, मुझसे बात करो, बताओ मुझे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? माहिर जी, माहिर जी कुछ नहीं, पहले दिन से मैं हर एक चीज तुम्हारे हिसाब से कर रहा हूँ,
तुम्हारी खुशी के हिसाब से, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुश रहो तुम्हारी खुशी के लिए, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, और उससे आफ्टर ऑल हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, हम लोग खुश रह सके। लेकिन ये सारी कोशिशें, ये सारी मेरी तरफ से हो रही है, ये सारे ट्राइज हो रहे हैं जो मेरी तरफ से हो रहे हैं, मुझे सामने से कोई एफर्ट क्यों नहीं दिखा? सो नो मोर ट्राइज, यू नो यू नो यू हैव टू ट्राई। आज सुबह जब वो हमारे बीच में एक मोमेंट हुआ था, बट That's nothing. I feel that's nothing. कुछ है ही नहीं, because कुछ हो ही नहीं रहा ना हमारे बीच में, so it's final ना। अब जो भी efforts होंगे वो तुम्हारी तरफ से होंगे, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें try करना पड़ेगा। बेला अगर देखो, अगर genuinely तुम चाहती हो कि हम लोग साथ में रहें और genuinely तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी तरफ आना होगा। एक कदम ही सही बेला, लेकिन वो एक कदम भी बढ़ाना ही होगा। You have to. मत जाइए माहिर जी। माहिर जी, मुझे लगता है, can we take it slow? हम तेज चले ही कब थे बेला? Come on, take the lead. देखिए, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए मैं सोच रही थी ये मैं मच्छर भगा दूं। ये है तुम्हारा फर्स्ट टाइम कि तुम मच्छर भगा दो। माही जी, आप मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए। देखिए, आप सोफा पे सोते हैं, सोफा पे कोई कंफर्टेबली कैसे सो सकता है, राइट? तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम टर्न वाइज सोएंगे। आज मैं सोफा पे सोऊंगी, आप बेड पे सोएंगे। तुम मुझे अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं पाई बेला। मतलब ये है कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी जानती होती तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं कभी भी तुम्हें सोफे पे नहीं सोने दूंगा। क्या कहा था अभी आपने? आई हैव टू टेक द लीड, आई हैव टू मेक अ मूव, क्योंकि लीड अब मेरे पास है, इसलिए जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा, और आप चुपचाप मेरी बात सुनेंगे और वही करेंगे। आप चुपचाप बेड पे सोइए, सोफा पे आज मैं सोऊंगी, एंड दैट्स फाइनल। Maher, oh, I'm so sorry, I didn't knock. I'm so sorry. Got some exciting news. Guess what? हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नया इन्वेस्टर मिल गया है। That's great. Yeah, he's a guy from London. क्या नाम है उसका? Shan. He's very interested and बहुत जल्द इंडिया आने वाले हो। अब देखना, उस विश खन्ना की वजह से जो प्रोजेक्ट रुक गया था ना, it's gonna start again. और बहुत जल्द वो रेली और वो मंदिर को मैं तोड़ दूंगा। Just wait and watch. I have a plan. No, man. This time I will plan. And you will execute. Listen, man. Just make sure वो गांव वाले कोई interference ना करें इस time. Okay? 7:30 tomorrow morning. I want you ready. Okay? No. Bad. See you. Good night. Mila. आप जाके change कर लीजिए ना please. बहुत जल्द वो रेली और वो मंदिर को मैं तोड़ दूंगा। Just wait and watch. बेला, एक्चुअली ना मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत एम्बैरेसमेंट हुई होगी ना। भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अरे शिखा, अरे भाई साहब, कैसा आइए ना, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए, आइए। नहीं बस भाभी, मैं चाय पीऊंगा। कैसा यार? ठीक हूँ यार, थैंक यू यार एंडी, ऐसे बुरे वक्त में अगर तुम साथ नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। Come on यार, be strong. I don't understand कि मुक्ति ऐसे कैसे? ऐसे मत बोलिए ना भाई। Come on. अब बच्चे भी हैं, आपको बच्चों को भी देखना है, उन्हें भी संभालना है।
माहिर बेटा, मैं कह रही थी कि तू और बेला कहीं चले जाओ, टेक योर वाइफ फॉर अ ट्रिप। हे भगवान, और खर्चा नहीं। वो माँ, अभी हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकता? तू ऐसे क्या काम कर रहा है कि नहीं जा सकता? सुमित्रा दीदी समझो ना, बच्चा प्लान कैलेंडर के हिसाब से होता है, क्या पता बेला उन दिनों पे। बोलो आंटी, हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है और वहाँ पास वाले रिसोर्ट में जाके मैं रहूंगा थोड़े दिन के लिए अकेले। हाँ तो ठीक है ना, वैसे बोल लेते मैं समझ जाती कि आंटी पे इतना जोर डालने की क्या जरूरत थी। माया ठीक कह रहा है, वो कहीं नहीं जा सकता, इज वेरी बिजी। और आज हमारा इन्वेस्टर भी आ रहा है, शान, इज कमिंग टुडे। शान, वाओ, he sounds like a film hero. By the way, that surname क्या है उसका? मतलब शान के आगे क्या लगाता है? आगे शायद मिलियनेयर। Honestly, I don't care. वो मुझे बहुत सारे पैसे दे रहा है। तो उसके आगे क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उसके पैसों के पीछे मैं हूँ। और हाँ, by the way, मैंने उसका background check किया है। वो खानदानी बंदा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे businesses हैं। और हाँ, पंजाबी मुंडा है, smart हो गई। एंडी, माना कि माहिर बहुत बिजी है, वो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन बेला को तो अपने साथ ले जा सकता है। ये जगह मुंबई से कितनी दूर है? कुछ ही किलोमीटर दूर है। माहिर ले जा सकता है बेला को और उसके साथ वहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? माँ, अरे माहिर, मैं ऐसा क्या मांग रही हूँ? इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, है ना एंडी? ओके, श्योर। या, इट्स अ फैबुलस आईडिया माहिर। परफेक्ट आईडिया आंटी, हम सब आज निकल चलते हैं। हम सब कहाँ? अरे हम सब दोस्त, हम तो आरजे को वैसे भी लेने आए थे दौड़ने के लिए। अच्छा, हाँ, दौड़ने के लिए, पर वो प्लान कैंसिल कर देते। कैंसिल हो चुका है, अब हम सब लोग हवेली जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, पार्टी जोन। तो मैं एक काम करती हूँ, अपने प्रथम को फोन कर देती हूँ, है ना, मजा आएगा। वो क्या रहा है, मैं तो सिर्फ माहिर और मॉम, आई एम आल्सो गोइंग। घर बैठे बैठे ना मैं बहुत बोर हो गई। यस कुहू बेबी, हम सब जा रहे हैं। देखो बेला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मत बोलिएगा प्लीज। देखो, मैं नमूनों के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला। अंडरलेस यू आर कमिंग, आर यू कमिंग? मैम, हम सब जा रहे हैं। ये पारिस वेकेशन पे जाएंगे। बोल, मेरे बिना पार्टी? अनु, वेलकम बैक। अनु, लंदन से कब आई? बस अभी अभी आई। वेलकम बैक, हाउ आर यू? हाय बेटा। हाय आंटी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ आंटी। मम्मी की कमी महसूस तो होती है, बट दिस ट्रिप हैज डन मी गुड। अच्छा हुआ मैंने ब्रेक ले ली। अरे, ब्रेक से याद आया, तुमने आज की ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी क्या? बेला प्रेग्नेंट नहीं है। या व्हाटएवर, हम सब ट्रिप पे तो जा रहे हैं ना? यस यार, यार तुम्हें ट्रिप के बारे में कैसे पता चला? अरे डैड, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन सब ने ना ग्रुप पे अपडेट कर लिया था। अच्छा, कम ऑन गाइस, वी आर गेटिंग लेट। माहिर, तुम दोनों आ रहे हो? हाँ बेटा, मेरा बेचारा बेटा तुम लोगों के साथ ही जा रहा है। या शान का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली वो इन्वेस्टर है हमारा। हां, ही शुड बी कमिंग राइट नाउ। टाइम क्यों? अरे नहीं तो उसको फोन करके पूछो ना, मैं उसको देखने के लिए। मेरा मतलब है कि हम सब कितनी देर से उसका वेट कर रहे हैं यार, उससे मिलने के लिए, है ना? तो हमें उससे फोन कर लेना चाहिए, है ना एंडी? बेटा, ये दरवाजे की तरफ इतना क्या देख रही हो? हाँ, और इतना मुस्कुरा के रही हो? अच्छा, तुमने अपना टूथपेस्ट बदला है? तभी मैं कहूँ, आज दांत तुम्हारे थोड़े से ना सफेद लग रहे हैं, कल पीले थे। नहीं? पोलो, प्लीज। कोई बात नहीं एंडी, ये पोलो जी की वजह से थोड़ा हंस लेते हैं सारे। वही तो है ना, देखा, मित्तल साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं ना वो क्या कहते हैं उसे, अरे वो इंग्लिश में होता है ना स्टॉक, लाफिंग स्टॉक। हाँ, वो तो तुम हो। Actually, laughing stock का मतलब होता है कि जोकर। By the way, तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? हाँ अनु, भाई तुम गई थी तो बहुत सारे बैग्स लेके गई थी, अब कहाँ हैं वो सब? ओहो, relax guys, मेरे बैग्स भी आ जाएंगे और आप लोगों का सरप्राइज भी। Actually, dad मैं फ्लाइट में किसी से मिली थी, someone really special. He's like Prince Charming. I mean, he's perfect. और जब हम बात करने लगे तो पता चला कि हमारे रास्ते ही नहीं, हमारी मंजिल भी एक है। और फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो मुझे यहाँ तक छोड़ देंगे। Oh my God, आप लोगों को वो लड़का बहुत पसंद आने वाला है और लड़कियों को तो उससे प्यार ही हो जाएगा। अच्छा, कौन है वो?
वो बस आता ही होगा मेरे बैग्स लेकर। आपके बैग। अब वो आ गया। वाह, वाव अनु, व्हाट अ चॉइस। देखा? देखा। वैसे मित्तल साहब, मैं गलत थी। आपकी बेटी के दांत में प्रॉब्लम नहीं, आपकी बेटी की तो आंख खराब है। जिसने ऐसा लड़का पसंद किया है। What do you mean? ई, तुम कौन हो? मेरा ड्राइवर।